वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। जिस मौलाना कलीम सिद्दीकी के बीती रात अचानक गायब होने के बाद मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने को लोगों ने घेर लिया था, शहर काजी जैनुल रसुद्दीन व सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने पुलिस कप्तान से मुलाकात कर पैरवी की थी। वह देश में धर्मांतरण का अवैध कारोबार चला रहा था। इस धंधे के लिए हवाला के जरिए मोटी धनराशि विदेशों से प्राप्त की जा रही थी। देश भर के कई मदरसों की फंडिंग कर तैयार किया गया धर्मांतरण का अवैध कारोबार। मेरठ से मौलाना कलीम को गिरफ्तार कर आज ATS ने लखनऊ में इस धंधे का खुलासा कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर के गांव फुलर्थ निवासी मौलाना जामिया इमाम वली उल्ला नमक ट्रस्ट भी संचालित कर रहा है। कलीम ने फुलर्थ के एक मदरसे से प्राथमिक शिक्षा ली थी और इसके बाद मेरठ कॉलेज मेरठ से BSc किया। मौलाना ने PMT प्रवेश परीक्षा भी पास की, लेकिन MBBS करने के बजाय इस्लामी संस्थान दारुल उलूम नवतुल उलमा लखनऊ में दाखिला ले लिया था। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv। इससे पूर्व मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को उनके 3 मौलाना साथियों के साथ बीती रात उस वक्त उठा लिया गया था जब वे मुजफ्फरनगर के एक गांव से यहां मेरठ में एक दावत में शरीक होने के लिए आए हुए थे। उनके वापस घर न पहुंचने व लगातार सभी के मोबाइल ऑफ होने से चिंतित समाज के लोगों ने बीती रात ही लिसाड़ी गेट थाने को घेर लिया था। अपहरण की आशंका जताते हुए लोगों ने पुलिस से दरख्वास्त की थी कि उनका जल्द पता लगाया जाए। लिसाड़ी गेट पुलिस ने जल्द पता लगाने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया। चारों मौलानाओं को पुलिस की एक ब्रांच द्वारा उठाया गया है। आज सुबह मौलाना कलीम सिद्दीकी के भाई को लेकर शहर काजी जैनुल रसुद्दीन व सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने पुलिस कप्तान से मुलाकात कर मौलाना कलीम के बारे में मालूमात की। बाहर आकर समाज के दोनों ही मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस कप्तान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मौलाना कलीम के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। मतलब साफ है कि पूछताछ की नीयत से मौलाना कलीम सिद्दीकी व उनके 3 साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। क्या आरोप है और क्यों ऐसा किया गया, इस पर कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी उस वक्त तक बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज सुबह मेरठ शहर काजी जैनुल रसुद्दीन व सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। कल हमारे यहाँ मेरठ के अंदर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना कलीम साहब, जिनका ताल्लुक फुलस से है और बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं, वो यहाँ मेरठ के अंदर एक दावत के अंदर तशरीफ लाए थे और दावत से जब वापस लौट रहे थे रात को 9 बजे के करीब, तो उसके बाद वो फुलत नहीं पहुँचे। जब फुलत नहीं पहुँचे तो लोगों को तशवीश हुई कि वो बीच में कहाँ गए हैं। तो इसके बारे में इस सिलसिले के अंदर हम लोग आज तमाम शहर के तमाम जिम्मेदार हजरात, जिसमें कारी शफीक साहब भी मौजूद हैं, कारी अनवार साहब भी मौजूद हैं, शिराज साहब मौजूद हैं और दीगर एडवोकेट्स वगैरह सब मौजूद हैं, हम लोगों ने कप्तान साहब से बात के दरख्वास्त किए कि वो इस बात का पता लगा के हमको बताएं कि वो हजरत मौलाना को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, या उनको जो भी है सही बात का पता लगाया जाए। हाँ, कप्तान साहब ने इस बात का शक जाहिर किया है कि ATF वगैरह के अंदर उनको रखा गया है और हमको इस बात का भी यकीन दिलाया है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं है। बड़े आलिम है, ऊपर को राशि पे थोड़े, वो कल शाम एक दावत से लौटने के बाद में उनको वो गायब है, उनको उठा लिया गया है। उनके भाई आए हैं डॉक्टर सलीम साहब, सलीम सिद्दीकी साहब, और सारे शहर के ये मदरसों के महत्मी में उलमा है, शहर का जी है। अभी अभी ये सही जानकारी नहीं हो पाई है, हमने अपनी जानकारी जो बात थी वो सारे वफद ने उनके सामने रख दी है। क्या अपहरण की आशंका है, क्या मामला है? इस बारे में बात हुई है, आश्वस्त किया गया है हम लोगों को, अपहरण नहीं है और कोई नाजेबस हरकत उनके साथ में नहीं होगी, वो महफूज है जहाँ भी है, जो कुछ पूछगछ हो रही है उसके बाद में बाइज्जत उनको भेज दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मामला तूर पर है। ये मामला तूर पर, हम सब लोगों की अपील ये है कि एहतजाज या जो बात हमें करनी थी, जो शिकायत दर्ज करानी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने करा दी। अभी इस मामले में जो बाकी और कोई गाइडलाइन होगी वो शहर के उलमा और इलाके के कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया है, वो कहा कि कोई जाति नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बनी रहेगी हमारी बराबर इस पर नज़र।
खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।